स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ ऑफ द पीपल। पहले के समय सिंधु में बहुत प्राकृतिक वनस्पति रखते थे, मतलब पहले के टाइम में वहाँ पे बहुत नेचुरल वेजिटेशन हुआ करता था। यह लकड़ी सप्लाई करते थे, ईंटों की ब्रिक्स जो होती है, ईंटें जो होती है उनको पकाने के लिए, और बड़े पैमाने पे होता था, लार्ज स्केल पे होता था। बहुत सारी लकड़ियाँ सप्लाई होती थी क्योंकि बहुत सारी ईंटें बनती थी और कंस्ट्रक्शन होता था। कंस्ट्रक्शन के लिए भी उस समय के दौरान ईंटें बनती थी। इस वजह से लकड़ियाँ जो हैं वो सप्लाई होती थी, और इस वजह से नेचुरल वेजिटेशन क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। एग्रीकल्चर बढ़ने से और चराई, जो गाय भैंस बकरियाँ ये जो चराई करती है, इससे भी, इन सब के कारण भी क्या हुआ, नेचुरल वेजिटेशन नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। एरिया की फर्टिलिटी सिंधु नदी के पानी के जमाव की वजह से थी। सिंधु नदी के वहाँ पे जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी क्योंकि वहाँ पे पानी का जो जमाव रहता था, पानी होता था उसमें, इस वजह से उसके आसपास की लैंड जो थी उपजाऊ थी, फर्टाइल थी। प्रोटेक्शन के लिए जली हुई ईंटों से दीवार बनाते थे क्योंकि एनुअली वहाँ पे बाढ़ आती थी, बाढ़ से बचने के लिए वो लोग दीवार बनाते थे। सिंधु के लोग ने बाढ़ में डूबे मैदान में बीज बोए। सिंधु के लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जो मैदान जहाँ तक मतलब बाढ़ का पानी आता था वहाँ पे भी उन्होंने बीज बोए ताकि खेती हो सके। फिर फ्योरस क्या होता है, खेत में जो आपने देखी होगी वो लाइनें बनी हुई होती है जिसके बीच में बीज बोते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं फ्यूरोस, ठीक है। खेत में बनी हुई लकीरें को खोजा गया पूर्व हरप्पन टाइम में, कब, हरप्पन टाइम के अंदर, हरप्पन पीरियड के अंदर खोजी गई, वो भी राजस्थान के कालीबंगान जगह में, और वो वहाँ पे उस तरीके के खेत हुआ करते थे लाइनिंग वाले। पत्थर के औजार यूज़ करते थे फसल को काटने के लिए, और वो भी किस समय, हरप्पन टाइम में खोजे गए पत्थर के बने हुए औजार। हरप्पन के लोग बाढ़ की जमीन के पास बसते थे, बाढ़ की जो जमीन होती थी जहाँ तक पानी आता था उसके पास में बसते थे ताकि क्या, वहाँ की लैंड फर्टाइल होती थी, अच्छी फसल हो जाए। जब खेत लैंड उपजाऊ होगी तो खेती भी अच्छी होगी, इस वजह से वो उसके पास बसते थे और वहाँ पे उनकी अच्छी फसल होती थी। बल्कि वो उनके खुद के लिए ही सफिशिएंट नहीं थी, वो पूरे गांव के लोगों के लिए सफिशिएंट थी, इतनी अच्छी खेती होती थी। सिंधु के लोग वीट, बार्ले, पीज एक्सेट्रा लगाते थे। क्या क्या होते थे, गेहूँ, बार्ले, ये मटर, ये सब चीज़ें उगाते थे वो, ठीक है। हरप्पन कल्चर एग्रीकल्चर करते थे, साथ ही एनिमल्स रखते थे। सिंधु के लोग जो थे, इंदस के लोग जो थे वो तो खेती करते थे, हरप्पन कल्चर के लोग खेती भी करते थे साथ में एनिमल्स भी रखते थे। एनिमल्स में वो गाय रखते थे, बकरियां रखते थे, भैंस रखते थे, पिग रखते थे जो सुअर होते हैं, उसके बाद में शिप रखते थे, भेड़, ठीक है। हरप्पन के लोग बहुत सारे औजार यूज़ करते थे, हरप्पन कल्चर के लोग बहुत सारे औजार यूज़ करते थे जो स्टोन से बने हुए होते थे। हरप्पन के टाइम केवल इमेजेस और बर्तनों की ही खोज नहीं हुई बल्कि उन्होंने औजार और हथियार की भी खोज की। उस समय सिर्फ इमेजेस और बर्तन की ही खोज नहीं हुई थी, हरप्पन टाइम में उन्होंने औजार और हथियार भी खोजे, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के हथियार खोजे उन्होंने, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्राफ्ट भी किए उन्होंने, और क्राफ्ट में भी प्रोग्रेस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक बार आप लोग ये खुद से रीड आउट करना।